मंगलवार को तड़के हैदराबाद में जो हुआ उससे आधी आबादी असुरक्षा की भावना कम हुई। महिलाओं में तेलंगाना पुलिस के प्रति भारी सम्मान है। महिलाओं ने हैदराबाद कांड के आरोपियों को लेकर तेलंगाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को सराहनीय कदम बताते हुए बच्चियों तथा महिलाओं के प्रति हैवानियत करने वाले दरिंदों के लिए सबक बताया है। जलेसर के गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय छात्र तथा शिक्षकों ने तेलंगाना पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने हैदराबाद में जो किया है अब उत्तर प्रदेश पुलिस की वह उन्नाव कांड में इसी तरह के ठोस कदम उठाने होंगे ताकि महिलाओं सड़क पर निकलने पर सुरक्षित महसूस कर सके। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर सोनिया भटनागर। क्या प्रिंसिपल कायती कॉलेज। जो हैदराबाद में जो आरोपियों को आज जो एनकाउंटर हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, ये तो एक अच्छा कदम है कि एनकाउंटर जो उनका हुआ है ना बहुत सही है। कम से कम दोषियों को एक उससे सबक मिलेगा कि ऐसी हादसाएं अक्सर ना होते रहे। मैं भी गर्ल्स कॉलेज की हूँ, मैं भी यही देखती रहती हूँ कि मेरे यहाँ की लड़कियाँ भी सुरक्षित हों। आगे बढ़ती हैं तो आगे बढ़ने में उनको कोई ना कोई हादसे का सामना करना पड़ता है। तो ये जो लिया है पुलिस वालों ने कदम उठाया है बहुत अच्छा, हमारे हिसाब से तो बहुत सही है। जो हैदराबाद में एक दरिंदगी हुई थी महिला के साथ उसमें आज चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है, क्या प्रतिक्रिया है? सर, एनकाउंटर में मारा सही भी किया लेकिन मेरे हिसाब से एनकाउंटर की जगह है उसको तो बीच चौराहे पर ले जाकर फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर से सिर्फ गोली से उसको मारा जाएगा, लेकिन उसको एक तरीके से जिस तरीके से उसने लड़की के साथ दरिंदगी करी उसी तरीके से उसे भी तड़पाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे पढ़ेंगी बेटियाँ, कैसे बढ़ेंगी बेटियाँ? हर एक जिस माँ बाप के पास बेटी होती है वो 10 बार सोचता है कि ये सुरक्षित बचेगी भी या नहीं बचेगी, और किधर नारा चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे हिसाब से ये सब व्यर्थ है। एनकाउंटर हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उससे हम लोगों को संतुष्टि भी है कि उसको एक हफ्ते के अंतर्गत इंसाफ मिल गया, लेकिन जो निर्भया केस हुआ था 7 साल हो गए, आज भी उसके आरोपी सुरक्षित हैं, आगे जाके वो अपील कर सकते हैं। ऐसा ही एक मामला उन्नाव में आया है अभी जी, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, उन्नाव में जो मामला है ये तो ऐसे है कि दिन प्रतिदिन केसेस होते ही रहते हैं। जो मीडिया की लाइमलाइट में आ जाते हैं वो एक्सपोज कर दिए जाते हैं, जो लाइमलाइट में नहीं आ पाते वो एक्सपोज नहीं हो पाते। इसके लिए सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये ऐसे क्राइम्स दिन प्रतिदिन और बढ़ेंगे। मैं आपका? मेरा नाम निशा है। अच्छा, जो हैदराबाद में जो दरिंदगी की गई थी एक महिला के साथ उसको आरोपियों को एनकाउंटर किया गया है पुलिस द्वारा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो भी मतलब हुआ है उन लोगों के साथ, जो उन सिस्टर के साथ हुआ वो गलत हुआ, और जो एनकाउंटर हुआ है वो भी सही है, क्योंकि अब अगर ये जो कांड था वो कोर्ट में जाता तो ये लंबा किस्सा जाता, जैसे कि निर्भया कांड था वो भी आज भी उन आरोपियों को अभी भी दंड नहीं मिला है। जो निर्भया कांड में जिन्होंने वो अपराध किया था उनको आज भी दंड नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि ये सही है कि अभी जो जस्ट न्याय मिल गया उसको, और लगता है कि उसकी आत्मा को शांति मिली होगी और उनके घर वालों को भी जस्टिस मिल गया है। आपका? सिमरन जी। जो हैदराबाद में जो एनकाउंटर किया गया है आरोपियों का, इसका मामले पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो भी हुआ एकदम सही हुआ, और इससे ये साबित होता है कि अब जो भी कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करेगा उसे इससे सबक मिला है कि वो आइंदा कभी ऐसी कोई गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। और मैं तो ये चाहती हूँ कि भारत सरकार को भी यही रूल बना देने चाहिए कि जो ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए डायरेक्टली बस एनकाउंटर सुना देना चाहिए। मुस्कान। आज जो हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक किया गया है, क्योंकि अब आगे के लिए जो लोग हैं ऐसी दरिंदगी करने से पहले अब 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि इसका जो परिणाम हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, और मेरे हिसाब से उसकी जो फैमिली है उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि उनकी लड़की को आज जस्टिस मिल गया, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी मेरे हिसाब से। ऐसे ही आरोपियों को अगर ऐसी सजा दी जाए तो महिला कितना सुरक्षित महसूस करेंगी? अगर ऐसी सजा दी जाए तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सेफ महसूस करेंगी महिलाएं आगे के लिए, और इस सबसे डर के नहीं रहेंगी, और आगे के लिए सही है, जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ।